भाई गाड़ी तो इतनी प्यारी लगती है, वो कसम से ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ चलती थी भाई। बाकी अभी थोड़े दिनों से जो परेशान करने लगी है, अपनी 12 बजा रखी इसने, बलगांव फाटा पार कर रहे अपन और आगे है साटक। एमआईएल की बत्ती पे तो मत जाओ तुम, एमआईएल की बत्ती तो भाई जो चल ही रही है और अल्टरनेटर की भी यूं चल रही है। अल्टरनेटर की बत्ती का कुछ हो ही नहीं रहा, उसकी क्लिप विलिप पे जाने क्या मिस्टेक आ रही है गाड़ी में, जो मिल भी नहीं रही है। अगली वीडियो ये स्टैंड पर बनी हुई थी भाई, इस पर मोबाइल रख दिया था मैंने, क्योंकि सोहेल भाई है नहीं। सोहेल भाई हुए अपन फलगार पुल पे से मिलेंगे। और ये लग गए मानपुर घाट, मानपुर घाट चढ़े भाई। बाकी आराम आराम से चढ़ेंगे, घाट तो बहुत क्लियर है, क्या मालूम कब मिला था ऐसा घाट क्लियर। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खराब हुए कि पूछो ही मत, जैसे अगली ट्रिप में अपन खराब हुए थे। पीतमपुर छोड़ दिया भाई अपन ना हाईवे, और पीतमपुर में चलेंगे सेक्टर नंबर 2 में, पहाड़ी के ऊपर है अपनी कंपनी, डाइपर भरे हुए अपने इसमें पायलट, इसको बोल पायलट में आते हैं डाइपर भरे हुए बच्चों के, पूरी गाड़ी में वही भरे हुए, वहाँ अनलोडिंग करेंगे वहाँ पे बता देंगे तो भाई यहाँ से गाड़ी। और ये पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग नगर में आपका स्वागत है। तो सेक्टर नंबर 1 यहाँ से चालू होएगा भाई, तो आइसर ब्रिज आएगा, आइसर कंपनी आएगी, उसके बाद वो ब्रिज उतरते ही सेक्टर नंबर 2 चालू हो जाता है, मतलब वो ब्रिज से सेक्टर 2 लग जाता है। थोड़ी आगे चलेंगे, एक डेढ़ किलोमीटर आइसर का ब्रिज है, उसके बाद अपना रास्ता भी है पहाड़ी वाला, तो वहाँ चलेंगे, वहाँ बता रहा हूँ तुम्हें। ये है भाई आइसर कंपनी, पूरी आइसर की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होती है भाई, ये आइसर पूरी आइसर बनती भाई यहाँ पे, पूरी आइसर आज कोई चीज हो 30-15-14 सारी आइसर यहीं पे बनती है। बाहर से आता होगा विदेश से भाई, पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होती है इसकी आइसर की। अब हम चढ़ेंगे भाई, ये खड़ी फेक चढ़ाई, बहुत खड़ी चढ़ाई है भैया की, वो बहन प्यार भाई स्पेशल लग गया, कसम से स्पेशल लग गया इसमें, यहाँ पे 3 टन भैया ने 4 टन स्पेशल मानना पड़ा। गाड़ी दम तोड़ ली थी मैंने, वहीं दे दिया स्पेशल मजाक की भाई, बहुत खतरनाक खड़ी चढ़ेगी। अगर यहाँ पर 10-1 टन की गाड़ी लाए तो मेरे हिसाब से स्पेशल में भी नहीं चढ़े। स्पीड देखो चलो, तो भाई कंपनी ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर पे तो मिलते हैं वहां पे, तो चढ़ाई चढ़ाने ही नहीं था भाई, उससे अपना आइसर ब्रिज से पहले ही ये रास्ता आता है, तो अपन को आना था इधर से।
बस अपन को चुल मची थी कि अपन चढ़ाई पे आएंगे, तो अपन खाली गाड़ी इधर से लेकर आते हमेशा। अभी भरना आते इधर आगे कास्ता पाइप है, तो पाइप की कंपनी हम वहाँ बहुत भरना है। मैं गाड़ी हमेशा इधर पीतमपुर रहते थे तो चढ़ाई पे से ही लाते थे। बस भरेल गाड़ी भाई इतनी खतरनाक चढ़ाई है वो, बाकी भरेल गाड़ी में 4-5 टन वजन में भी स्पेशल लग का अब कभी नहीं चढ़ाएंगे, अब इधर से ही लाएंगे। चलो थोड़ी सी और बचा अपना सफर, आधा किलोमीटर। हमारी गाड़ी है भाई कंपनी के अंदर, ऐसी कंपनी है। वीडियो बनाने का मतलब मैं लाऊंगी है कि नहीं है, बाकी फिर भी मैं बना रहा हूँ। ऐसी गाड़ी अपनी खड़ी है। सोहेल भाई पीछे रस्से तिरपाल खोल रहे हैं, मैं गया था मोहत धोने, मिलते हैं रस्से तिरपाल खोल लेते हैं। और ये गाड़ी की अनलोडिंग चालू है भाई यहाँ पे, 11:30 के लगभग गाड़ी खाली होना चालू होगी। और वो मशीन पायलट उठा के ले जा रही है, बस ऐसी खाली हो जाए एक आध घंटे में तो खाली कर देंगे भाई, ये स्पीड से खाली करेंगे तो 12:30-1 बजे तक फ्री कर देंगे अपन को। सोहेल भाई इधर पबजी चला रहे सोहेल भाई, मिलते हैं भाई खाली करने के बाद। ये गाड़ी पूरी की पूरी खाली हो गई है भाई। पोच भी मिल गई अपन को, भाड़ा आप डालेगा ट्रांसपोर्ट वाला अकाउंट में। ये खड़ी है, आज तो इसको वॉशिंग करवा ले पप्पा, तो बस चिल चिल कर रही है। धुलवा के लाने के बाद तो चिल चिल कर रही है, चमक रही भाई अंदर भी गाड़ी। मतलब गाड़ी धुल जाए नहीं तो बहुत प्यारी लगे यार। तो चलो बस हम यहाँ से निकलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर, और अज्जू भाई को उसका साउंड सुनाएंगे भाई, क्योंकि अपन ने इंजन बनवाया तो वो साउंड अपन को जम नहीं रहा गाड़ी का। चलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ से फिर देखेंगे लोडिंग का क्या है।